हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चाट। बहुत टेस्टी, करारी, चटपटी चाट बनाने जा रही हूँ। बंद है, बाहर जा नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, तो इसका मज़ा हम घर में बैठ कर ही लेंगे। सो मैं कैसे इस चाट को बनाई हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। और आप इस बंद के दौरान कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, इसके लिए आप मुझे आप कमेंट करें, कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट के आधार पर नेक्स्ट रेसिपी बना दूंगी। सो दोस्तों, अभी हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले कि मैं चाट बनाना स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, एक कटोरी आटा। दोनों को अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथ लें। ध्यान ये रखना है कि आपका जो आटा है वो नरम नहीं होना चाहिए, हल्का सख्त होना चाहिए। देखिए, दबाने पर भी ये उतना अंदर नहीं जा रहा है। तो आधे घंटे के लिए रख लें और फिर उसको आधे घंटे के बाद हम इसकी बनाएंगे रोटियां। सो आधा घंटा हो गया है तो मैं अब इसकी दो रोटी बेलने जा रही हूँ। आप चकले के ऊपर भी कर सकते हैं, मैं इसको स्लैब के ऊपर कर रही क्योंकि मुझे रोटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है और ये जो रोटी है ये ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। रोटी बेलने के बाद हम इसमें चम्मच की मदद से, फोर्क की मदद से हम इसमें कहीं कहीं से पिंच कर देंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो जो हमारी पापड़ी है वो फूले नहीं। मैंने दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है पानी पूरी का, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं, उसको मैंने कैसे बनाया है। तो किसी ढक्कन या कटोरी की मदद से आप इस तरीके से इसमें थोड़ा प्रेस करके निशान लगाइए और फिर एक साइड से आटा जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल दें और आपकी जो पापड़ी है, देखिए एक बार में कितनी बन के तैयार है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इधर तेल पहले ही गर्म हो रखा था। ध्यान ये रखना है कि जब पापड़ी फ्राई हो तो जो आपकी आंच है, जो फ्लेम है वो मीडियम पर होनी चाहिए, इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये एकदम से ब्लैक पड़ जाएगी, ज़्यादा पक जाएगी तो वो ठीक नहीं है। तो धीमी आंच पर इसको पकने दीजिए। जब इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप फिर इसको बाहर निकाल लीजिए। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आगे आप ये वाली रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो मैं रेसिपी आपके लिए तैयार करूँ। सो हमारी पापड़ी देखिए बनके तैयार है। तो अभी हम करते हैं चाट तैयार। तो एक प्लेट लीजिए, उसमें ये पापड़ियों को डाल दीजिए। एक दो पापड़ी को देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। जब हम मीडियम आँच पर इसको पकाते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी बन जाती है। तो मैंने दो आलू बॉईल किए थे, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, तो इसमें आलू मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑनियन, इसमें अब ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्ची, रेड चिली पाउडर और अब हमने दही डालना है। दही को थोड़ा सा पहले मैश कर लें अच्छे से। तो अब इसमें हम दही ऐड किया है, घर का बना हुआ दही है। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, फिर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, चाट मसाला अच्छे से डालना है। मेरा थोड़ा एक साइड में पड़ गया है बट आप ये गलती मत करें। इसके बाद थोड़ा सा दही और ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये मैंने बनाई थी इमली और गुड़ की चटनी, इसको बनाना बहुत आसान है। तो अगर आप बोलोगे, कमेंट करिए तो मैं ये चटनी बनाने का वीडियो डाल दूंगी। तो इसके बाद हमने ऐड किया है धनिया, डालना तो इसके ऊपर चाहिए हमें अनार के दाने, बट अनार अभी है नहीं, मार्केट बंद है तो मिल नहीं रहा था। तो मेरे पास ये मटर था जिसको मैंने स्टीम किया तो उसको डाल दिया। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा और चटनी खट्टी मीठी, और एक मैंने पापड़ी को अच्छे से क्रश करके डाला है जो देखने में थोड़ी अच्छी लगे। आप इसके ऊपर धनिया पुदीने की चटनी भी डाल सकते हैं।
हरी चटनी मिर्च वाली, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चों को वो चटनी थोड़ा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें इसका ऐड नहीं किया है, तो आप उसका ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आप इसमें डालिए कोई भी नमकीन, तो मैंने डाली है आलू भुजिया, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ गया है।